नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। कोलकाता स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम्स ने छापेमारी में दो यात्रियों के पास से 1 केजी से अधिक सोना बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 62 लाख से अधिक बताई गई है। जिन यात्रियों के पास से गोल्ड का पेस्ट बरामद किया गया है, यह दोनों दुबई एवं बैंकॉक के फ्लाइट से कोलकाता लौट रहे थे। एक ने बैग में छिपा कर लाए तो दूसरा अंडरगार्मेंट्स में सोना छिपा रखी थी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य के करीबी तापस मंडल ने किया 19.5 करोड़ रुपए लेने का सनसनीखेज खुलासा। इसके बाद ही हरकत में आई सीबीआई और ईडी। 19.5 करोड़ की तथ्यों की छानबीन के लिए तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को घोष के दो फ्लैट में पहले सीबीआई फिर ईडी की चल रही है छापेमारी। यह छापेमारी कोलकाता के न्यू टाउन स्थित चिनार पार्क में चल रही है। पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी से फिर केंद्रीय प्रतिनिधि दल का दौरा। राज्य में चलने वाले केंद्र सरकार की 11 परियोजनाओं की वास्तु स्थिति को देखने के लिए यह प्रतिनिधि दल राज्य में आ रहे हैं। यह प्रतिनिधि दल 6 जिलों का दौरा करेगी। अब वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय परियोजनाओं से जुड़े स्थिति का रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। पश्चिम बंगाल के हर मुद्दे पर केंद्रीय प्रतिनिधि दल भेजे जाने की घटनाओं से क्षुब्ध है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी। गुरुवार को अलीपुरद्वार स्थित प्रशासनिक सभा से केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, मच्छर काटने पर भी केंद्रीय टीम आ रही है जा रही है, एक चॉकलेट पटाखा फूटने पर एनआईए की टीम जांच में पहुंच जा रही है, यानी कुछ भी हो केंद्रीय की टीम पहुंच जा रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में स्थित झालदा नगर पालिका में दखलदारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस एवं कांग्रेस के बीच जंग जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर झालदा नगर पालिका के लिए चेयरमैन चुना गया और चेयरमैन कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद शीला चैटर्जी निर्वाचित हुई, परंतु निर्वाचित होने के 3 दिन बाद एसडीओ ने शीला चैटर्जी की पार्षद पद खारिज कर दी और पुनः तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुदीप कर्मकार को बनाया गया। एसडीओ के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस एवं निर्दलीय ने संयुक्त रूप से किया कोलकाता हाईकोर्ट में मामला। शीला चैटर्जी को दल बदलो कानून के तहत एसडीओ ने पार्षद पद से खारिज किया है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के आए फैसले में फिलहाल कांग्रेस के ही दखल में रहा झालदा नगर पालिका, यानी झालदा नगर पालिका के वाइस चेयरपर्सन पूर्णिमा कांदुई ही संभालेगी चेयरपर्सन की दायित्व। इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। दुर्गापुर स्थित एक बेसरकारी होटल में शुक्रवार से 2 दिवसीय बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू। बैठक में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सांसद सुकांत मजुमदार, विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के राज्य पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की इस 2 दिवसीय बैठक में राज्य के प्रत्येक जिले के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यकारिणी समिति के बैठक का मुख्य मुद्दा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज राजशेखर मानथा की अदालती कार्रवाई का बहिष्कार करने और उनके विरुद्ध उनके घर के बाहर लगाए गए पोस्टर एवं विरोध प्रदर्शन के मामले को लेकर चल रही जांच पड़ताल के बीच हाईकोर्ट के 9 वकीलों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सामने आया है। यह प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम के जांच के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखा है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।